सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 10,000 रुपए से नीचे यानी 9,000 रुपए तक में मिलने वाले 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकेशन है और आपके जो प्राइस है 9,000 रुपए उसमें वो काफी खरे उतरेंगे और आपकी प्राइस सारी वसूल हो जाए। चाहे कैमरा क्वालिटी की बात कर लें, चाहे पिक्चर क्वालिटी की बात कर लें, चाहे गेमिंग की बात कर लें, तो सभी में ये वाले फोन बहुत ही जबरदस्त है। रैम की बात करें तो रैम भी बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो आपको 9,000 रुपए में मिल जाएंगे या उससे कम भी में मिल जाएंगे। तो देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये 5 स्मार्टफोन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो पहला फोन है वो है Honor का 9N जो आपको 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज साथ मिल जाता है। आप इसमें अलग से 256GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं। इस फोन की जो डिस्प्ले है वो है 5.85 इंच की डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले है, नोच डिस्प्ले नहीं है क्योंकि जहां पर कैमरा दिया गया है उसके बगल में एक LED फ्लैश लाइट भी दी गई है, लेकिन फुल व्यू डिस्प्ले है और सारी चीजें और भी मिलेंगी इसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं। दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा है वो बैक में ड्यूल कैमरा दिया गया है और फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा है जो है बहुत ही हैवी और साथ में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। तो जो फ्रंट में कैमरा है यानी सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का बहुत ही दमदार कैमरा जिसमें काफी सारे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो आपके फेस ब्यूटी को और भी अट्रैक्टिव कर देते हैं। इसके अलावा जो इसमें बैक में यानी रियर में जो कैमरा है वो 2 कैमरे लगे हुए हैं, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल विद LED फ्लैश लाइट। साथ ही आपको इसमें मिलता है 3000 mAh की बहुत ही दमदार बैटरी जिससे आप फोन में काफी देर तक ज्यादा काम कर सकते हैं और आपको बार बार चार्जिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें किरिन 659 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फोन की बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और क्लॉक स्पीड है 1.7 GHz जिससे आप अगर मल्टी टच या मल्टीपर्पज काम करते हैं, काफी सारी विंडो खोल रखी है, काफी सारे आपने एप्स खोल रखे हैं तो भी हैंग नहीं होता। साथ ही अगर आप गेमिंग करते हैं तो भी प्रोसेसिंग स्पीड काफी अच्छी होती है, आपका गेम अच्छी तरह से चलता है और बीच में उसकी स्क्रीन स्प्लिट नहीं होती या फंसती नहीं है या धीरे धीरे नहीं चलती। इसमें एंड्रॉयड का ओरियो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। साथ ही आपको फोन की तरफ से यानी Honor की तरफ से भी एक स्टार्टिंग वाला, जब फोन स्टार्ट होता है या उसकी जो टच डिस्प्ले आगे पीछे होती है उसमें जो देखने को मिलता है फंक्शन, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से Honor तरफ से दिया गया है। तो मैंने आपको बता ही दिया बैटरी इसमें 3000 mAh की बैटरी है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आ रहा है, यानी 1 ईयर की अगर डैमेज होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो उसकी वारंटी रहती है और आप इस सर्विस सेंटर पर ठीक करा सकते हैं। साथ ही आपको ये फोन अमेजन पर जो लिस्टेड है 9,999 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बता रखा है पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियो में कि अमेजन पर हर महीने कोई ना कोई सेल चलती रहती है छोटी बड़ी, जिसमें आप आसानी से इसे 9,000 रुपये तक में ले सकते हैं। तो दोस्तों 9,000 रुपये में काफी अच्छा फोन है जो 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज से आ रहा है, तो ये आप फोन ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जितने फोन मैं यहाँ बताऊंगा उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देखने का कोई पैसा नहीं लगता, आप देख सकते हैं। अगर आपको फोन पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे तो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जो दूसरा फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M10 जो आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा और कलर कॉम्बिनेशन और भी है, जैसे ब्लैक भी है और आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है 6.22 इंच की इन्फिनिटी फुल व्यू डिस्प्ले है, यानी फुल व्यू नोच डिस्प्ले है, ड्यू ड्रॉप वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है जैसे कि इस फोन में है। इस फोन में आपको जो बैक में कैमरा मिलता है वो है ड्यूल कैमरा 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा जो है सेल्फी कैमरा विद LED लाइट। तो जो ये फोन है वो 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। अगर आप अलग से SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो 512GB तक का अलग से एक्सटर्नल SD कार्ड लगा सकते हैं। ये फोन आपको 3400 mAh की बैटरी के साथ मिल रहा है जिससे आप मल्टीपर्पज काम देर तक कर सकते हैं। फोन में दिया गया है फास्ट फेस अनलॉक और साथ ही आपको इसमें काफी सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं जो एक स्मार्टफोन में आते हैं, जैसे अप्रोक्सिमिटी सेंसर, जी सेंसर और पनोरमा मोड, फेस ब्यूटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें दी गई हैं।
अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों इसमें Exynos 7870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.7 गीगाहर्ट्ज़, जिससे आप मल्टीपर्पज काम काफी देर तक कर सकते हैं और काफी सारे अगर आपने एप्स यूज कर रखे हैं, खोल रखे हैं, साथ में गेमिंग भी खेलें तो भी फोन हैंग नहीं होता और सारी चीजें आपकी स्मूथली रन करती हैं। इसमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओरियो 8.1, जिससे इसकी कैपेसिटी और भी अच्छी हो जाती है और आपको और भी काफी शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ ये फोन आ रहा है। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, अमेजन पे ये 8,999 में लिस्टेड है, जिसे आप ऑलरेडी कभी भी खरीद सकते हैं, तो आपको 9,000 रुपये से कम पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसे हर महीने चलने वाली सेल में खरीद सकते हैं तो ये आपको 7,000 रुपये का भी पड़ जाएगा। दोस्तों जो तीसरा फोन है वो है Redmi कंपनी का 6 Pro। Redmi 6 Pro फोन है जो 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ अलग से आप इसमें 256GB तक का एक्सटर्नल SD कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही इसकी जो डिस्प्ले है 5.85 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले है, ड्यू ड्रॉप नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है। दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दी हुई है 5.85 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले। साथ ही आपको जो कैमरा दिया हुआ है, कैमरे के साथ में ही LED लाइट भी दी गई है, लेकिन ये वाटर ड्रॉप या नोच डिस्प्ले नहीं है लेकिन फुल व्यू डिस्प्ले है, जिसमें आप सारी चीजें फुल व्यू देख सकते हैं। केवल वाटर ड्रॉप और नोच डिस्प्ले का यही अंतर रह गया है कि वहां पर जहां पर इसकी कैमरा दिया गया है उसके बगल में ही एक LED सेल्फी लाइट दी गई है, जिससे उतना पोर्शन आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बाकी आपको पूरे में अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैमरे की। तो दोस्तों इसमें बैक में जो कैमरा दिया गया है ड्यूल कैमरा है, फ्रंट में एक कैमरा है। फ्रंट वाला जो सेल्फी कैमरा है वो है 5 MP का विद LED लाइट और बैक में जो कैमरा दिया गया है 13 MP का एक कैमरा है। दूसरा कैमरा है 5 MP का, साथ में आपको एक हैवी LED लाइट दी गई है और ये फोन आपको 4000 mAh की बैटरी के साथ मिल रहा है, जिससे आप मल्टीपर्पज काम काफी देर तक कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी और बार बार आपको चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आपके फोन की स्मूथनेस और बढ़ जाती है, मल्टीपर्पज काम आप आसानी से कर सकते हैं, बीच में हैंग नहीं होगा। इसमें एक अलग से GPU दिया गया है, यानी ग्राफिक्स कार्ड अगर आप गेमिंग के शौकीन है, Adreno 506 वाला GPU दिया गया है, जिससे आप कितना भी हैवी गेम आसानी से खेल सकते हैं और वो बीच में हैंग नहीं होगा या स्क्रीन स्प्लिट नहीं होगी, रुकेगा नहीं बीच में, इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 GHz। फोन जो आ रहा है वो है एंड्रॉइड के ओरियो 8.1 वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ रहा है। साथ ही आपको 1 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी और इसमें जो ड्यूल सिम है दोनों ही 4G वॉल्टी है, यानी दोनों में ही आप जियो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों ये अमेजन पे लिस्टेड है 8,990 रुपये में, तो ये आप बिना सेल के खरीदेंगे तो 8,990 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे सेल के दौरान या किसी ऑफर के दौरान खरीदते हैं हर महीने चलने वाली, तो आपको ये थोड़ा सा और कम में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके फोन को देख सकते हैं, दिखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको जब फोन लेने का मन करे तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फोन है वो है मोटोरोला का, यानी मोटो E5 Plus फोन, जो कि है 6.0 इंच की HD डिस्प्ले के साथ। फुल व्यू डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है और आपको ये 6 इंच की डिस्प्ले के साथ मिल जाएगा। इसमें जो रैम दी गई है दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए। तो जो इसमें रैम दी गई है वो है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अलग से आप इसमें 256GB तक का SD कार्ड लगा सकते हैं और ये फोन 4G वोल्टी फोन है, यानी दोनों ही स्लॉट में आप जियो की सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये फोन, सबसे जो बड़ी बात है वो है कि इस फोन में आपको 5000 mAh की एक दमदार पावरफुल बैटरी मिलती है, जिससे आपको फोन बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फोन से बहुत सारे काम हैवी काम करते हैं तो ये फोन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है। 5000 mAh की एक दमदार बैटरी दी गई है। अब बात कर लेते हैं इस फोन में मिलने वाले कैमरे की। तो दोस्तों इसमें बैक में एक कैमरा दिया गया है और फ्रंट में एक कैमरा दिया गया है। फ्रंट में जो कैमरा है यानी सेल्फी कैमरा वो 5 MP है, साथ में आपको एक LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। जो बैक में इसके कैमरा है यानी रियर में, उसमें 12 MP का एक कैमरा दिया गया है, साथ में आपको LED लाइट भी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। इस फोन में 1 ईयर्स की वारंटी आ रही है, यानी 1 ईयर्स की वारंटी है कंपनी की तरफ से सर्विस सेंटर पे, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो।
बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की। जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.4 गीगाहर्ट्ज, जिससे आपके फोन के सारे ही जो काम है वो बहुत ही स्मूथली रन करते हैं, प्रोसेसिंग अच्छी होती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं इस फोन में। और आप अगर अच्छा सा गेम खेलना चाहते हैं तो भी आप इस फोन में अच्छा सा गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी है, साथ ही आपको एंड्रॉइड का ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है। एंड्रॉइड का ओरियो 8.1 वर्जन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोन के अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्राइस, इस फोन की जो प्राइस है वो है 8,500 रुपये, यानी 8,500 रुपये में ये अमेजन पे लिस्टेड है, लेकिन अगर आप इसे सेल में खरीदेंगे तो और कम प्राइस में खरीद पाएंगे। अगर आप जल्दी खरीदना चाहते हैं तो 8,500 रुपये में ये कोई कम की डील नहीं है। 3GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है, साथ ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो इस कैटेगरी में पांचवा फोन है वो है ओप्पो कंपनी का फोन ओप्पो A5s, जो आपको 2GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। साथ ही आप इसमें अलग से 256GB तक का एक्सटर्नल SD कार्ड लगा सकते हैं। फोन की जो डिस्प्ले है वो है 6.22 इंच की फुल व्यू नोच डिस्प्ले, यानी ड्यू ड्रॉप वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, यानी फुल नोच डिस्प्ले। केवल कैमरा दिया गया है, उसके अलावा पूरी ही जो डिस्प्ले है उस पर पूरी ही स्क्रीन आएगी, पूरा ही डिस्प्ले दिखाई देगा। अब बता दूं मैं इसके कैमरे के बारे में। दोस्तों इसमें जो बैक में कैमरा दिया है वो ड्यूल कैमरा, यानी 13 MP का एक कैमरा है, एक है 2 MP का, साथ ही आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। आगे वाले कैमरे की बात करता हूं तो आगे वाला कैमरा है 8 MP और जो बहुत ही शानदार सेंसर के साथ है, जिससे आपकी जो फोटो है इमेज है वो और भी क्लियर और काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। दोस्तों जो इसमें बैटरी दी गई है वो है 4230 mAh की एक पावरफुल बैटरी, जिससे आपके काम आसान हो जाते हैं, आपको बार बार बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो दो सिम दी गई है, दोनों ही सिम आप जियो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों ही 4G वोल्टी फोन है, साथ ही आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर है MediaTek का 6765 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz, जिससे आपके सारे ही काम आसानी से हो जाते हैं, सारे ही काम आसानी से प्रोसेस होते हैं, फोन हैंग नहीं होता जल्दी से और मल्टीपर्पज मल्टी टच काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉइड का ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, साथ ही आपको फन टच 5.0 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो ओप्पो के फोन में अधिकतर आता है। तो दोस्तों ये थे पांच स्मार्टफोन जो 9,000 रुपए या 9,000 से कम कह लीजिए, 8 से 9 के बीच में आपको मिल जाएंगे मार्केट में और काफी सारी शानदार खूबियां थी। ये सारी फोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अमेजन से। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और दोस्तों ये सारे ही फोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, जो फोन आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। अगर केवल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखने का कोई पैसा नहीं लगता। अमेजन से ये सारे ही लिंक अमेजन की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से आप फोन देख सकते हैं। दोस्तों अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के द्वारा ही खरीदारी कीजिए, चाहे आपको कुछ भी खरीदना हो आप मेरे किसी भी लिंक से जाके कुछ भी परचेज कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों आपके इस लाइक को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों लाइक शेयर और सपोर्ट जरूर करिए, लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है, आप इस फोन को यूज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके मन में कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।